रुपेटा ग्राम के ग्रामीण हो रहे हैं पीने के पानी के लिए परेशान। प्यास बुझाने के लिए जाना पड़ रहा है 5 से 8 किलोमीटर दूर। जातिवाद के विषय को लेकर सार्वजनिक बोरवेल में डाल दिए मिट्टी पत्थर। सरपंच बैठे हैं आंखें मूंदे। क्या नाम है आपका? अभिषेक जोशी। क्या हुआ था मामला? ये बोरिंग कब लगा था? ये बोरिंग में 3-4 साल पहले लगा था, पंचायत से निमित हुआ था। ये जब माननीय हमारे इधर के बहादुर सिंह जी विधायक साहब है, उन्होंने करवाया था। तो हम रात को हमने प्लान बनाया सभी समिति ने कि बोले यहाँ पर रुपेटा बोले टंकी चालू करवा दी जाएगी, फिर हर घर में पानी की सुविधा हो जाएगी। सुबह जब हम साफ तोड़ लेके आए, नाली वगैरह सब लेके आए, तो यहाँ पे बहुत बुरा हुआ मिला। सरपंच से बात हुई थी हमारी, सब सब मना बोल रहा, बोले मोटर में डालने दूँ आपको। सरपंच साहब ने मना करा? मना बोल रहा, मोटर इसमें डालना मत आपको। सरपंच साहब का क्या नाम है? कृष्ण भाई पति सत्यनारायण। अच्छा, कारण क्या, क्यों ऐसा बताया उन्होंने? कोई पारिवारिक मामला है, जातिवाद है इनका। अच्छा, हाँ जातिवाद है इनके, समाज के हैं। तो उन्होंने बोले ये हम इस्ते कर लेंगे हमारे घर पे। अच्छा, वर्तमान में ये हॉल के पास जो मकान है ये किसका है? ये मुन्नालाल जी पड़दा। अच्छा। पिताजी ईश्वर जी पड़दा। अच्छा, कितना समय हो गया इस बोरवेल को करवाए हुए? ये 3-4 साल से पूरा गाँव इससे पानी पीता है। टंकी छोटा, अभी तक पानी पी रहे थे? हाँ, पी रहे थे। आज ही समस्या आ गई। वो कैसे पीते थे आप? पानी कैसे निकालते थे बोरवेल में से? ये तो सब पे डाल के निकाल देते, उसमें फिर ये क्या यहाँ डोर वगैरह सब गाँव के पशु सब यहाँ पानी पी रहे थे। और ये बोर कब बंद कर दिया इन्होंने? यार ये आज हम डाली रहते तो मोटर जली हुई थी। मोटर हमने सुधार लेने डाली, उसमें क्या हुआ था, फिर इन्होंने अब डाली का सुधार के लाए, जली हुई थी वो सुधार के लाए। तो सुबह देखा हमने कि ये होल बुरा हुआ था। सरपंच साहब को फोन लिया, सरपंच मना बोल दिया, बोले इसमें मोटर मत डालना आप कोई भी। अच्छा, इससे पहले ये ट्यूबवेल चालू था, अभी कितने समय पहले चालू था? अभी चालू था, तो इससे पानी पीता हूँ। अच्छा, मोटर जलने के बाद आपने मोटर निकाली और उसे सुधारने के बाद डालने आए, जब इसमें पत्थर डाल दिए गए थे? बोला सरपंच साहब को, सरपंच बोला बोले इसमें मोटर मत डालना आप कोई भी। विधानसभा बाद हुई, विधानसभा बोला बोले आप इसी विषय में कार्य कर दिया, मैं आपको फोन कर दूंगा। बात हुई थी इससे हमारी। इसकी शिकायत वगैरह कहीं की है आपने? अभी शिकायत अभी हमारे बहादुर सिंह जी की थी, और अभी साहब से बात हुई थी, बोले मुझे कंफर्म करवा दो क्या है क्या नहीं है। बात हुई थी विधायक से मेरी, जस्ट बस 20-15 मिनट हुए बात हुई थी। उन्होंने बोले मैं करवाता हूँ। तो अभी सरपंच साहब को फोन आया था विधायक जी का, उन्होंने कुछ बोला है, बोले मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अभी तक हो नहीं पाया है। समस्या पानी की जस्ट आ रही है अभी। इससे क्या कि गांव के लोग महिला वगैरह अभी पानी के लिए तरस है यहाँ पे, वो भी खाली पड़ गया पानी पशु के लिए, वो भी खाली पड़ा है। हेलो, जाओ।
समस्या होने का सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल जाट। क्या है मामला है? ये मामला इसमें मोटर थी वो फाल्कन मोटर और साने थावरचंद जी कोटा मोटर भी आई थी, सब राडा वगैरह पता ही कौन तो गाँव हमारा चंदोगर कंट 200 300 500 रुपये बुक थी सब मिली ने। चंदा करने के बाद मोटर आपने डाली? हाँ, हमारी जो सरकारी मोटर थी वो तो पता ही भी नहीं कहाँ है, तो पता ही भी नहीं कहाँ है मोटर वो। अच्छा अच्छा, ये सरपंच के अंडर में वो मोटर स्टार्टर कर वायर के कुछ ही नहीं उसका, सब हम गाँव वाले ने ये चंदा किया पड़ोसी ने, सब गाँव वाले स्पेशली जितने स्टार्टर किया सब ने बीते 500 रुपये दिए हमको। आज कांग्रेस वाले खेत से खाली टंके मोटर गायब है, ये ऑटो में से पानी लेके आए मकान भी सरकार से काम चक्कर डायरी बने तो मोटर बड़ी मक्की कर ही सके सरकार। अच्छा, आप ये मकान बता रहे हैं ये भी अतिक्रमण में? हाँ, अतिक्रमण में पहले मकान भी तो पहले मकान नहीं था ये, जब वो लगे तो मकान नहीं था ये, लगन नहीं देते इसकी जगह मकान सरकार पाई। अब वन में मोटर उतार बड़ी मोटर भी उतारो दिक्कत आवे, कोई जुगाड़ भी जान कहीं भी जाए वन में सब तो उतार के उतार ले वने तो का को जल अपना पानी पीना अपना के मतलब हाल तो वने एक महीना पहला मार महीना दो महीना पहला मोटर खराब के वो लेट नो पानी बाहर करा लेट नो पानी माते उतार के पानी तक में डाली मिल जाए क्या आदमी के बाहर का मत करो यार कार्रवाई संध्या तक बार इसमें लेटेंगे पानी डाल दिया टैंक अंदर। हाँ, लिंडा लिंडा अंदर पानी वो मोटर लिखा रही जब नगे पड़ी माइक में पानी जा रहा तो वही खराब हुई थी, तो फिर नगे पड़ी थोड़ा भाजपा बाहर करने में लेकिन पानी फिर कैसे पास डर भी ना लग रहा है जनता की सुविधा के बाद बनाए कि अपने मन मानी करे सरपंच गाड़ी में तेल भी आपको चाहिए लगा देंगे क्या बंद काम को देख लेना आपके यहाँ ऐसा रही। ये बोरवेल कब हुआ है? ये बारिश में, बारिश में हुआ तो यहाँ पे अभी पानी की क्या व्यवस्था है? पानी आ रहा है? कुछ भी नहीं है गांव में, कोई व्यवस्था नहीं, पंचायत कोई सुनती नहीं है, तो सार्वजनिक मोटर डाल के लोग पानी पिलाते हैं। तो ये बोरवेल से पानी नहीं निकला? निकला पानी बहुत है, पानी अभी मोटर वगैरह इसमें डाली है अभी? क्या नहीं डाली, अभी डाली नहीं उसमें मोटर भी ढक्कन तो आई कोई नहीं बना था पटेल काम करने के मोटर पत्तों को नहीं हमने बोला उन्हें मोटर और मोटर पत्तों को पानी निकला जो मोटर ढक्कन भी ढक्की रोड पे लाई रहे पत्थर दूर ये गांव वाले बांध रहे इसके ऊपर कचकड़े कचकड़े नहीं है व्यवस्थित रख रहे हैं इसको इधर कोई सरपंच साहब ने कोई ढक्कन भी लगा रहे इसके ऊपर ये भी शासकीय निधि से ही बनाई बोला था हमने मोटर डालने मना बोल बोलने मोटर डालने का बोला था मोटर भी पंचायत मोटर ने दिलाई विधायक मोटर भी नहीं दिलाई राहण सब दिलाए साधन पूरा दिलाया फिर भी अभी जी को बोलने जाओ तो बोलते हैं सब हमने सुविधा कर दिया आपके गांव में हमने सरपंच साहब को सब दे दिया ने सरपंच साहब को बोलने देते हैं कि आया नहीं अभी क्या हमारे पास सब गुल कर दिया। हो ये कौन सी अभी जो बोरवेल बंद कर दिया है हाँ। जिसको अभी हमने पहले दिखाया हाँ। उससे कितने लोग पानी पीते थे? पूरे गांव के पीते थे, पूरे गांव के पानी उधर से भी ले जाते हैं लोग कलेक्शन और पूरे गांव के जानवर भी 1000 फीट दूर तक पानी पी रहे थे। तो अब वो बोरवेल अगर बंद हो गया है तो फिर आप लोगों के पानी पीने की व्यवस्था कहाँ से? खेत से लाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है गाँव में साजापुर करके वहाँ से लाएंगे। अब दूसरी तो व्यवस्था है नहीं पानी की क्योंकि ये भी बंद पड़ा हुआ है और वो भी बंद पड़ा है, पानी की कोई व्यवस्था है भी नहीं अपनी गाँव में, स्कूल में बच्चे पढ़े बच्चे खाना खाए गंदे है ना। यहाँ पास में जो बोरवेल है उसके सामने भी स्कूल है, उसके समीप में भी बड़े दो शासकीय स्कूल है, यहाँ के बच्चे भी इसी बोरवेल से पानी पीते हैं, सारा काम पानी पीता है। और अब बोरवेल बंद हो गया है तो बच्चे भी पानी नहीं पी पा रहे होंगे इसका? क्या भोजन या स्कूल के अंदर करेंगे और घर पे जाके खाना पानी पिएंगे? स्कूल में पानी मिले ही नहीं का उनको, क्या मिलेगा पानी? पानी देश कैसे मिलेगा पानी? व्यवस्था होती तो होता है स्कूल के सामने हाँ आपने वाली 15-15 मोटर ला के रखी थी साइकिल वाला है ना।
हाँ वो पानी ले नहीं जा रहा, वो पानी ले आना चाहिए तो ले जंगल में पानी। अरे जानवर भी तेरे मरे, जानवर डंडो चौबीस घंटे शिकायत कर दी मैंने, सोचा लेके तो 181 हमने ये पीछे की तरफ जो स्कूल है, हाँ। और स्कूल के सामने और आसपास पूरी गंदगी गंदगी है, गंदगी गंदगी बच्चे के लिए तकलीफ है। मेरी स्कूल है, शिकायत आपने कभी सरपंच को नहीं की? सरपंच को बोल दिया, मैंने शिकायत कर दी है यहाँ की। दो ट्राली मुरम डाल दी उसने सरपंच ने, पर ये दो ट्राली मुरम डालने के बाद भी पूरी आसपास गंदगी है, गंदगी है। सरपंच को बोलने को सुनता नहीं है, नहीं मंत्री सुनता है, सरपंच सुनता है। और 181 भी मैंने कर दिया, आज 22 तारीख एक महीना हो गया शिकायत करते हुए। उसमें क्या आया 181 में? वो बोला निराकरण हुआ, तो कल मुहम डाली, मेरे पास डबल फोन आया नहीं 181 पे, डबल करूंगा फिर वापस 30 दिन के बाद हो गया 30 दिन। तो वो सरपंच को बोल दिया मैडम ना सब परेशान है, गंदगी शौचालय का पानी। आपने उनसे कभी शिकायत की इस विषय? उनसे शिकायत तो हुआ तो मिलते ही नहीं, कहाँ शिकायत अभी आए भी नहीं अभी। यहाँ के विधायक वगैरह से? विधायक वगैरह से कर दी शिकायत। उनका क्या कहना था? उनको मोटर के बारे में बोला था, मैंने मोटर दिला दिए, आपको पानी पीना है डाल के पियो। सरपंच जाने से पंचायत जाने का आपको रोटी टंकी बना दी तो क्या रोटी आपको खाना बना के सही बात है। भैया ये पानी कहाँ से लेके आए हो आप? कुआ पैसे? कुआ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? और उसका कारण क्या रहा, आप इसको इतनी दूर क्यों जाना पड़ा पानी लेने? पानी नहीं है गांव में, क्या करो। वो जो एक बोरवेल थी वो बंद हो गई इसलिए, इसमें पत्थर डाल लिया। अभी तो गर्मी दूर है, उसके बाद भी पानी की इतनी समस्या होगी, इसके बारे में आपने किसी से शिकायत करी या कोई चर्चा हो रही? कोई कौन या कोई सरपंच सरपंच कोई सुने, किसको करे? तो सरपंच को बनाया तो आप ही लोगों ने था ना, क्या करो तो डालते ही हैं क्या? अच्छा। कि काम तो देते हैं किसको? कौन सी पार्टी से सरपंच? कांग्रेस से। कांग्रेस से। ये 2 ड्रम पानी है, ये कितना चलेगा दिन भर? ये दिन भर में साफ होकर शाम को फिर लाओ, शाम को फिर जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर। क्या नाम है सरपंच का? सत्तो कृष्ण भाई। कांग्रेस पार्टी से है या नहीं? कांग्रेस पार्टी के होने के कारण यहाँ पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है ना।